हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 डेट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस हम लोग नोट्स के थ्रू करेंगे, लेकिन इस नोट्स में एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर अप होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। यानी आप कह सकते हो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद दी नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम लोगों को या तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होगा या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम लोग जो आपका फंगस होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। फंगस आपके घरों में जो ब्रेड होता है उस पर ग्रो होता है, वैसे ही आप लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू जो आपके बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर प्रोटोजोन्स हो गया। अब बात करें जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ कहाँ या किस किस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तो सबसे पहली बात वो बहुत ही आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर अगर -2 डिग्री हो या -10 डिग्री हो तब भी जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सर्वाइव कर सकता है। या फिर बहुत ही ज़्यादा आपका गर्म इलाका है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकता है। डेजर्ट में भी, मर्सी एरिया में भी, आपका मडी लेंस में भी जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकता है। और साथ ही साथ एनिमल के अंदर या फिर जो प्लांट है उसके अंदर भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पाया जाता है। एयर, वाटर, सॉइल, फूड, इन सभी जगहों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो हम लोगों के लिए फ्रेंडली होता है या फिर वो डिजीज़ कॉज करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और आपका मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल का बना हुआ, जैसे कि आप एग्जांपल में याद रख सकते हो बैक्टीरिया, वैसे ही मल्टी सेलुलर होता है जैसे कि आप याद रख सकते हो मॉल्ड्स। अगर हम लोग बात करें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व कौन किया था, तो आपको नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में हमेशा पूछा जाता है या 1 मार्क्स में पूछा जाता है आपको कि हु ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एंटोन वैन लीउवेनहुक। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये साइंटिस्ट है, इसका नाम आपको याद रखना है कि इसने ही जो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ऑब्जर्व किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसको हम लोग 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया और आपका कुछ अल्गी हो गया। ये सब के सब आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें एक रिजिड टेल वॉल होता है। जो बैक्टीरिया है कुछ कुछ तो हम लोगों के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि हम लोग कर्ड की बात करें, मिल्क से कर्ड में ट्रांसफर होना, ये जो बैक्टीरिया ही जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसके थ्रू होता है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और कुछ अगर बात करें तो बैक्टीरिया से हमें डिजीज भी होता है, तो हम लोगों के लिए हार्मफुल है। अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हम लोग 4 कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर शेप। सबसे पहले एक है स्फेरिकल कोकस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे बैक्टीरिया में जो इसका शेप स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपका स्फेरिकल है, इसलिए इसको हम लोग स्फेरिकल कोकस या फिर कोकी कहते हैं। दूसरा है आपका रोड शेप बेसिलस। अगर आपका बैक्टीरिया रोड शेप होगा तो उसको हम लोग बेसिलस कहेंगे या फिर बेसिली कहेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कोमा शेप्ड। अगर कोई बैक्टीरिया कोमा शेप्ड है उसको हम लोग विब्रियम या फिर विब्रियो कहेंगे। यहाँ देख सकते हो आप, ये आपका जो बैक्टीरिया है कोमा शेप है तो इसको हम लोग विब्रियम कहेंगे, यानी शेप के बिहाफ पे हम लोग नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका अगर स्पाइरल होगा तो इसको हम लोग स्पाइरिलम कहेंगे या फिर स्पाइरिला कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैक्टीरिया है वो आपका स्पाइरल है। स्पाइरल बैक्टीरिया आप देख सकते हो एक फीचर पाया जाता है जिसको हम लोग फ्लैजेलम कहते हैं। तो बैक्टीरिया को इन्हीं 4 शेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा तो उसको हम लोग कोकस या कोकी कह लेंगे। अगर आपका रोड शेप होगा तो उसको हम लोग बेसिलम या फिर बेसिली कह लेंगे। अगर आपका स्पाइरल होगा तो उसको हम लोग स्पाइरिला या स्पाइरिलम कह देंगे। अगर कोमा शेप होगा उसको हम लोग विब्रियो कह देंगे। आपको याद रखना है बैक्टीरिया को उसके शेप के हिसाब से हम लोग डिवाइड या ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई याद रख सकते हो, फंजाई आपका नॉन ग्रीन प्लांट होता है। नॉन ग्रीन प्लांट होगा तो ऑटोट्रॉपिक नहीं होगी, क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल आपका ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो किसी ना किसी पे डिपेंड होगा अपने खाने के लिए। तो सिंपली फंजाई क्या होता है, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, किसी और पे डिपेंड होता है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें फंजाई के अंदर, या तो आपका पैरासाइट्स होगा या फिर आपका सेप्रोफाइट होगा। पैरासाइट का मतलब होता है ये अपना न्यूट्रिशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेगा, सेप्रोफाइट का मतलब होता है ये अपना न्यूट्रिशन किसी डेड ऑर्गेनिज्म से लेगा। तो आपका फंजाई या तो पैरासाइट्स होगा, पैरासाइट्स का अगर हम एग्जांपल दें, पक्सिनिया व्हिच कॉज व्हीट लीफ रस्ट। व्हीट के लीफ में एक डिजीज होता है जिसको हमने पक्सिनिया
ट्राइक्लिनिया कहते हैं, बेसिकली वो फंगस डिजीज होता है। वीट के न्यूट्रिशन को यहाँ जो आपका फंजाई है वो यूज करता है। वहीं अगर हम लोग सेफ्रोफिटिक की बात करें तो ऑन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मेटेर, जैसे कि आप ब्रेड मॉल्ड हो गया, ब्रेड के ऊपर जो आपका फंगस ग्रो हो जाता है तो आपका एग्जांपल किसका हो गया, सेफ्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हो गया। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद जरूर रखना है, जो आपका फंजाई है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिलेशन बना के रहता है। अगर आपका फंजाई अल्गी के साथ रिलेशन बना के रहता है तो उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। वहीं अगर फंजाई रूट ऑफ हाइयर प्लांट के साथ रिलेशन बना के रहता है इसको हम लोग माइकोरिजा कहते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पे मान लो ये आपका फंगस हो गया और ये आपका अल्गी हो गया, दोनों ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर रहेगा। यहाँ जो आपका फंजाई होता है, फंजाई के पास माइसिलियम होता है, इस माइसिलियम के थ्रू फंजाई आपका पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी या फिर ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इस अल्गी को देता है। अल्गी के पास आपका ग्रीन पार्ट होता है, इस ग्रीन पार्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और इस न्यूट्रिशन को अल्गी भी यूज करता है और आपका फंजाई भी यूज करता है। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फंजाई अल्गी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख लो, ये अल्गी आपका पोर्शन हो गया, ये आपका फंजाई पोर्शन हो गया, ये माइसिलियम हो गया आपका, इस माइसिलियम के थ्रू पानी को या फिर जो आपका नीचे में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और अल्गी उसको यूज करके अपना न्यूट्रिशन बनाता है और उस न्यूट्रिशन या फूड को अल्गी और जो आपका फंजाई है दोनों एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। वैसे ही आपको जो अगर फंजाई हायर रूट के साथ रिलेशन बनाता है उसको हम लोग माइकोरिजा कहते हैं। याद रखना, फंजाई अल्गी के साथ रिलेशन बनाए उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं, फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ रिलेशन बनाए उसको हम लोग माइकोरिजा कहते हैं। कुछ अगर और इम्पोर्टेंट पार्ट देखे तो जो आपका फंजाई है उसके थ्रू ही आपका जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो बनता है, जैसे कि आपका पेनिसिलियम हो गया। आपको पता है जो पेनिसिलियम है हमारे जो जख्म को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वैसे ही आपको ब्रेड या फिर जो बियर बनता है उसमें भी फंजाई का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, यूनिसेलुलर फंजाई जिसको हम लोग इस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप जो वीट प्लांट है उसमें देखो आपका ये है ना फंगस ग्रो हो गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं पक्सिनिया कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रेड में जो फंगस ग्रो होता है उसका आपका फोटो है। यहाँ पे देखते हैं जो राइजोइड आपका, बेसिकली राइजोइड हम लोग रूट्स को कहते हैं। यहाँ पे देखो स्पोर्स होता है, इसी स्पोर्स से फिर दूसरा फंगस को ग्रो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली वाइल अदर लिव एज पैरासाइट। जो आपका पैरासाइट प्रोटोजुआ होता है वो आपका प्लांट में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग में डिजीज कॉज करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो जो मलेरिया होता है बेसिकली इसी प्रोटोजुआ के थ्रू होता है। अगर हम कुछ प्रोटोजोन्स का एग्जांपल की बात करें तो अमीबा, प्लास्मोडियम और पैरामीसियम, इसी प्लास्मोडियम के थ्रू आपका जो मलेरिया है कॉज करता है। यहाँ पे आपका जो पैरामीसियम या फिर जो प्रोटोजोआ है उसका डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ याद रख सकते हो, ये जो आपका है ये बेसिकली सीलिया है और ये जो सीलिया का काम क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका फूड पार्टिकल्स है, सीलिया यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा जिसके वजह से यहाँ जो फूड है ना, फूड आपका मूव करके इस पोजिशन पे आ जाता है। किस पे, ओलर ग्रुप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओलर ग्रुप यहाँ पे फूड आ जाता है उसका, फिर ये फूड कैविटी के अंदर या फूड वैक्यूल के अंदर चले जाता है। तो सीलिया का यहाँ पे यही काम होता है बेसिकली, बहुत जैसे ही फूड को देख लिया तो वाइब्रेट करेगा जिसके वजह से ये जो आपका फूड पार्टिकल है, जो ओलर ग्रुप है यहाँ पे आ जाता है, फिर ओलर ग्रुप के थ्रू फूड वैक्यूल में चले जाता है और फिर यहाँ पर डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्गी की। याद रखना, अल्गी आपका ग्रीन होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो हम कह सकते हैं अल्गी अपना खाना खुद बनाएगा, तो ये क्या होगा, प्लांट के अंदर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो अल्गी है, अल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड, थैलोइड का मतलब होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसमें रूट लीफ स्टेम नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ इसके जैसा ही कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग फंजाई में देखते हैं राइजोइड, बेसिकली वो रूट ही है, तो आप कह सकते हो जिसमें भी थैलोइड स्ट्रक्चर होगा उसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसके जैसा कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर पाया जाएगा। तो आपका अल्गी क्या हो गया, थैलोइड हो गया, ग्रीन है तो आपका ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा बेसिकली, और ये बेसिकली एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और आपका मेरीन वाटर में भी पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल्स में, वुड्स में। और याद रखना, अल्गी फंजाई के साथ अगर रिलेशन बनाता है तो उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। वैसे ही कुछ अल्गी आपका जो एनिमल्स होता है उसके ऊपर ग्रो कर जाता है, जैसे कि आप सलोद बियर में देख सकते हो, सलोद बियर के ऊपर में आपको कुछ अल्गी कभी कभी नजर आ जाएगा। अच्छा, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, जो आपका स्पेस ट्रेवलर होता है बेसिकली खाने के लिए अपने साथ अल्गी को ही लेके जाता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है बहुत ही कम होता है। तो आप एग्जांपल के लिए याद रख सकते हो जो अल्गी का नाम है क्लोरेला या फिर स्पाइरुलिना, याद रख सकते हो बेसिकली ये यूनिसेलुलर अल्गी होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है।
तो याद रख सकते हो दो एग्जाम्पल ऑफ अल्गी का जो कि स्पेस ट्रेवलर अपने साथ लेके जाता है, एक तो क्रोलेला हो गया, दूसरा स्पाइरुलिना हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वायरसेस की। वायरसेस भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन दूसरे माइक्रोब से वो अलग होता है। दूसरे माइक्रोब से अलग क्यों होता है? क्योंकि वायरस है ना आपका एक विचित्र प्राणी है। वायरस अगर कहीं पर पड़ा हुआ है तो बेसिकली नॉन लिविंग होगा, लेकिन जैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है या फिर किसी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है तो वायरस क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो होस्ट है जैसे उसको मिला अपना मैकेनिज्म वो खुद बनाने लगता है, और कुछ समय के बाद ऐसा होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिज्म है उस पर डोमिनेट कर जाता है और फिर उसके पूरे मैकेनिज्म को कैप्चर करके खुद ब खुद अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है, अब खुद से खुद रिप्लिकेट करना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से वायरस कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाता है। तो आपका सिंपली पहला क्वेश्चन होगा, हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स? तो आपको सिंपली लिखना है वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होता है लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग क्यों होता है? क्योंकि वो जो रिप्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ कब करेगा? इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब उसको कोई होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा तभी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके या फिर अपने आप को रिप्लिकेट करेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जैसे ही वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इन करता है उसके बाद इसका अपना राज स्टार्ट हो जाता है, अपना मैकेनिज्म खुद बनाने लगता है उस पे, यानी डोमिनेट करना स्टार्ट कर जाता है। वायरस के बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग। आपका जो वायरस है बेसिकली दो पार्ट का बना होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हम लोग डीएनए या फिर आरएनए को कहते हैं, और फिर आपको वायरस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका वायरॉइड्स हो गया, एक आपका प्रायन हो गया। वायरस में क्या होता है, जो आपका इन्फेक्शियस पार्ट होता है या जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी वायरस में क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। वैसे ही अगर हम लोग प्रायन की बात करें तो प्रायन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाएगा, यानी आपका जो इन्फेक्शियस पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होगा। ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। रखना वायरस बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आपका प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड आपको डीएनए आरएनए को कहते हैं हम लोग, और आपका प्रोटीन सिंपली वर्ड में समझो तो वायरस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वैसे आपका प्राइन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी एक है ना वायरस होता है जो कि आपको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बहुत सिंपली याद सकते हो, बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है और ये आपका टोबिकोमोसिक वायरस का डायग्राम है। तो बैक्टीरियोफेज में आपका यहाँ पे देख सकते हो टेल फाइबर होगा, सीट होगा, हेड होगा। बेसिकली हेड क्या होगा? प्रोटीन का बना होगा आपका, और यहीं पे आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। तो ये आपका क्या हो? बैक्टीरियोफेज हो गया। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज क्या हो गया। बैक्टीरियोफेज आपका हो गया कि ये भी एक टाइप का वायरस है, लेकिन वो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। एमसीक्यू में अमूमन पूछेगा कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो बहुत सिंपली बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे कुछ है ना आपका वायरस से डिजीज का नाम दिया गया है, इसमें से कुछ आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन कोल्ड याद रखना है, आपका फ्लू याद रखना है, चिकन पॉक्स याद रखना है, पोलियो याद रखना है, एचआईवी एड्स याद रखना है आपको। वैसे आप मम्स और मिसल्स को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? पहले ही हम लोग माइक्रोब में देख चुके हैं माइक्रोब्स कहाँ का सर्वाइव कर सकता है। बहुत ही ठंड इलाके में भी रह सकता है और बहुत ही गर्म इलाके में भी रह सकते हैं। वैसे ही डेजर्ट और मर्सी इलाकों में भी रह सकते हैं। और जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इंडिपेंडेंटली भी रहता है और कुछ पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं, जैसे कि इनसाइड दी बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक की बात कर ले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजेस क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। तो अगर यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड और केक। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के वजह से ही हम लोग कर्ड ब्रेड और केक बनाते हैं। वैसे ही आपका मेडिसिन और वैक्सीन भी बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग अल्कोहल, वाइन, एसेटिक एसिड बनाते हैं। और नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट को हम लोग क्लीन अप भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के थ्रू, और आपका जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको भी हम लोग इंक्रीज करते हैं। वहीं अगर हम लोग हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में आपका डिजीज कॉज करता है, वैसे ही फूड को खराब करता है जिसके वजह से आपका फूड पॉइजनिंग होता है। तो अगर सिंपली दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो आप ये जो चार पांच पॉइंट दिया गया है सिंपली आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, तो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है।
ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो गया, वेजिटेटिव पिल्स हो गया, एनिमल रिमेन्स हो गया, या फिर आपका जो फेसेस हो गया, यही आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। इसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। दूसरा क्या बैक्टीरिया हेल्प करता है, मेडिसिन को बनाने में हेल्प करता है। तीसरा क्या करता है कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है फिक्सिंग नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। बहुत सिंपली, जो नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग में होता है उसको हम लोग एज इट इज यूज नहीं करते हैं, तो नाइट्रोजन को हम उसके यूजेबल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन हम लोग किसी बैक्टीरिया के थ्रू या अलग अलग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो उसी को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन ब्रेक डाउन करेगा या तो अमोनिया में या फिर नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में। और यहाँ पे जो अमोनिया, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट होता है किसी ना किसी बैक्टीरिया के वजह से होता है। तो आपको कुछ बैक्टीरिया का नाम याद रख सकते हो, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये आपका MCQ या फिर जो फिलिंडा ब्लैंक से जरूर पूछेगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का आपको नाम बताना है, तो आप याद रख सकते हो राइजोबियम। दूसरा एजोटोबैक्टीरिया होता है। तीसरा आपका ब्लू ग्रीन अल्गी होता है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नोस्टॉक याद रख सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका राइजोबियम। राइजोबियम को आपको याद ही रखना है, राइजोबियम ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। बेसिकली जो ये जो प्रोसेस है हम लोग नाइट्रोजन साइकिल्स में भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है, इट इज यूज इन द सेटिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो यहाँ पे बैक्टीरिया यूजफुल कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है, मेडिसिन को बनाता है, तीसरा आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है, चौथा आपको कर्ड या फिर चीज या फिर पिकल्स को बनाता है। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कर्ड है वो कैसे फॉर्म्ड करता है, तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्ड कैसे फॉर्म करता है, बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस। ये भी आपका MCQ क्वेश्चन बनेगा या फिर फिलिंडा ब्लैंक्स बनेगा। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क के अंदर मल्टीप्लाइज करना स्टार्ट कर जाता है। यही बैक्टीरिया जब मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइज कर जाता है तो आपका मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वही मिल्क के अंदर मल्टीप्लाइज होना स्टार्ट हो जाता है जिसके वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाइज क्यों होता है, तो बहुत सारे इसके रीज़न है, क्योंकि हम लोग मिल्क को क्या करते हैं, एक सर्टन टेम्परेचर में रखते हैं। अगर उस सर्टन टेम्परेचर में हम लोग नहीं रख पाते हैं, जो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो आपका ईस्ट है, ईस्ट हम लोगों के लिए यूजफुल क्यों है। तो जो ईस्ट है आपका, ईस्ट हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, ब्रेड को बनाने के लिए, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए और फिर केक्स को बनाने के लिए। जो ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, क्यों बन जाता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। उसके हेल्प से आपका ब्रेड या फिर जो पेस्ट्री केक्स बनता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, बहुत सिंपली फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से जो ईस्ट है आपका वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको याद रखना है फर्मेंटेशन में, कि इसको डिस्कवर किसने किया था, याद रख सकते हो लुईस पेच्युअर 1857 को फर्मेंटेशन प्रोसेस का डिस्कवर किया था। बेसिकली यहाँ पे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसके वजह से जो बहुत ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो ब्रेड या पेस्ट्री या जो केक्स है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी या फिर सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट प्रोड्यूस फिल द स्पेस इन द डव एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो ये आप याद रख सकते हो कि ईस्ट हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है। और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल वाइन के प्रोडक्शन में भी ईस्ट हेल्प करता है, which is done by growing yeast on natural sugar present in fruit juice and grains like rice, wheat and barley. तो आपका yeast का क्या क्या uses हो गया, सबसे पहले baking industry में use होता है और दूसरा आपका alcohol और wine बनाने में use होता है। और यहाँ पे आपका fermentation भी याद रखना है, fermentation का definition क्या है और इसको किसने discover किया था, most important आपका discover किसने किया था, ये जरूर पूछेगा आपका MCQs में। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर देयर यूजेस, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिंस दैट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हम लोगों के जो बॉडी के अंदर अगर कभी या किसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाता है तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या करता है, उसको या तो मार देता है या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है,
यानी रिप्लिकेट होने नहीं देता है, जिसके वजह से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लास्टली मर जाता है। एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल याद रख सकते हो पेनिसिलिन, और ये आपका जो फंगस होता है पेनिसिलियम, उसी से आपका बना है, पेनिसिलियम से। फिर उसका यूज कहाँ का है, देखो बहुत सिंपली है, अगर एंटीबायोटिक्स का हम यूज की बात करें तो हम बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा डिजीज को क्योर करता है। कुछ यहाँ पे डिजीज का नाम दिया गया, आपको याद रखना नहीं है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन दैट आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। यहाँ पे जो मेडिसिन दिया गया है बेसिकली, ये आप किसी ना किसी मेडिसिन के कंपोजिशन में जरूर देखोगे। जब आपको कोई जख्म उखम हो जाता है तो मेडिसिन में जरूर देखना आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जरूर होगा। बेसिकली ये बैक्टीरिया और फंजाई से बना होता है। दूसरा है जो माइक्रोबल इन्फेक्शन होता है एनिमल में, उसको भी क्योर करता है। कैसे क्योर करता है, एंटीबायोटिक्स को हम लोग फीड में क्या कहते हैं मिला देते हैं, उसके जो आपका एनिमल है उसको हम लोग खिला देते हैं। क्योर माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। और तीसरा क्या काम करता है, प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, डिजीज को क्योर करना। अब नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड व्हाई, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स। बहुत सिंपली आपको जो एंटीबायोटिक्स का यूज करना है तो हमको सबसे पहले डॉक्टर के एडवाइस से ही करना है। एंटीबायोटिक्स टेकन इन रॉन्ग डोजेस मे बी बॉडी रेजिस्टेंट टू द ड्रग एंड इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन द फ्यूचर। मोर ओवर एंटीबायोटिक्स मे ऑल्सो किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान रखना है जो आपका एंटीबायोटिक्स है, अगर आप बार बार ले रहे हो या फिर उसका मिस यूज कर रहे हो तो आपके शरीर में इफेक्टिव नहीं होके वो ड्रग्स के रूप में काम करना स्टार्ट कर जाएगा। और क्या करेगा, साथ ही साथ जो आपके बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है उसको भी मार देगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है आपका एंटीबायोटिक्स के लिए कि जो एंटीबायोटिक्स है कांट क्योर कोल्ड और फ्लू कॉज बाय वायरस। आपका जो कॉमन कोल्ड या फिर जो फ्लू होता है वायरस के वजह से, उसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो ना तो उसका कोई हेल्प नहीं होने वाला। एंटीबायोटिक्स कोल्ड और आपका जो फ्लू डिजीज होता है उसका क्योर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका है वैक्सीन। वैक्सीन में सबसे पहले कुछ हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं। सबसे पहला है पैथोजेंस, यहाँ पे जो भी आपका डिफिनेशन दिया गया है एमसीक्यूज में जरूर पूछता है आपका। पैथोजेंस क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, उसी को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। यानी पैथोजन क्या हो गया, जो आपको माइक्रोब्स डिजीज कॉज करता है उसी को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है एंटीबॉडीज, अभी एंटीबायोटिक्स की बात की थी, ये आपका एंटीबॉडीज हो गया। एंटीबॉडीज आर सब्सटेंस आवर बॉडी प्रोड्यूस टू फाइट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स को हम लोग एक्सटर्नल के रूप में लेते हैं, और वहीं अगर हमारा बॉडी खुद ऐसे सब्सटेंस को सेक्रेट करता है जो आपको डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है उसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में खुद ब खुद सेक्रेट होता है जैसे ही आपका जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है लाइक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन करता है, वैसे ही एंटीबॉडीज सेक्रेट करता है और इसके साथ लड़ता है या फिर इसको किल करता है। नेक्स्ट आपका वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आर वीकेन और डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये आपका एमसीक्यूज जरूर पूछेगा कि जो वैक्सीन्स होता क्या है। वैक्सीन या तो वीकेन माइक्रोब्स होता है या फिर डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है। डेट आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, या तो इंजेक्टेड किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू या फिर ओरल, यानी हम लोग जिसे पल्स पोलियो है वो भी क्या है एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में किया जाता है, वो भी एक टाइप का वैक्सीन सी हो गया। इंजेक्टेड इन आवर बॉडी टू ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बेसिकली वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन हम लोग लगाते हैं या फिर हम लोग उसको लेते हैं ओरल के थ्रू, मुंह के थ्रू। वो बेसिकली करता क्या, वो जो आपका एंटीबॉडीज है ना उसको बहुत ही ज्यादा बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज जब आपके शरीर में बनेगा तो क्या करेगा, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसको मारेगा या उसके साथ फाइट करेगा। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। सिंपली याद रखना वैक्सीन क्या हो गया, वैक्सीन आपका वीकेंड या फिर डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। काम क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज करता क्या है, वो बहुत समय तक हमारे शरीर के अंदर होता है और वो बेसिकली जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके साथ फाइट करता है। अब नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम लोग करते क्या है, वैक्सीन को ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, कि क्या है, जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स का उसको किसने डिस्कवर किया था।
तो आप याद रख सकते हो एडवर्ड जेनर डिस्कवर दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। इसको भी याद रख सकते हो आप, एक मार्क्स का जरूर पूछेगा। फिर है नेम अ पॉपुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी हम बात करते हैं पल्स पोलियो का, तो पल्स पोलियो आप याद रख सकते हो। अच्छा फिर एक है नेम ऑफ सम डिजीज विच कैन बी प्रिवेंट वैक्सीन, इसको भी आप याद रख सकते हो। वैक्सीन से हम लोग कौन कौन से डिजीज से प्रिवेंट हो सकते हैं, तो आप याद रख सकते हो सबसे पहले कोलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स और आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। नेक्स्ट आपका हाउ डू माइक्रोब्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्रोसेस बायोडिग्रेडेशन याद रखना होगा। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली करता क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर जो डेड प्लांट या एनिमल्स का रिमेन होता है उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। आपका ये जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है उसको अगेन प्लांट और एनिमल यूज कर लेता है बाय द प्रोसेस बायोडिग्रेडेशन। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है आपको क्या, कि जो भी माइक्रोब्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट और डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोज कर लिया। डिकम्पोज करने के बाद उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया बाय द प्रोसेस बायोडिग्रेडेशन। और यहाँ पे जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसको फिर से प्लांट और एनिमल क्या करता है, यूज करता है। तो इसके वजह से आपका क्या होगा, इसके वजह से आपका होगा कि जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो क्या करता है, दे हेल्प अस इन गेटिंग रिड ऑफ हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। आपको जो माइक्रोब्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली जो भी डेड प्लांट या एनिमल का रिमेन्स होता है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, जिसके वजह से जो हमारे सराउंडिंग में बैड या फिर कह सकते हो जो हार्मफुल स्मेल जाता है उससे क्या करता है, हम लोगों को बचाता है। तो बस आपको यही पॉइंट लिखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है आपका। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज। डिफिनेशन हमेशा आपका 1 से 2 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, डियर आर माइक्रोबियल डिजीज। माइक्रोबियल डिजीज क्या हो जाएगा, वैसा डिजीज जो माइक्रोब से कॉज करता है उसको हम लोग माइक्रोबियल डिजीज कह देंगे। देयर आर माइक्रोबियल डिजीज डेट स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टेक्ट सच एज कॉलेरा, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड और ट्यूबरक्लोसिस। कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है आपका, आप याद रख सकते हो ईयर से, वाटर से और आपका फूड और आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट से। अगर हम डिजीज का नाम ले, आपको याद रखना है ट्यूबरक्यूलोसिस डेट इज टीवी, फिर आप याद रख सकते हो चिकन पॉक्स और फिर याद रख सकते हो आपका कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट आपका कैरियर्स क्या होता है, कैरियर होता है आपका इंसेक्ट एंड एनिमल्स डेट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर्स, या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियर को ही हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या होता है कैरियर, बेसिकली करता क्या है, कैरियर आपका या तो इंसेक्ट हो सकता है या फिर आपका एनिमल्स होता है जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपका हाउस फ्लाइज हो गया हमारे घरों के अंदर, वैसे ही आपका मॉस्किटोज हो गया। मॉस्किटोज बेसिकली करता क्या है, मलेरिया का कैरियर्स हमारे अंदर इंजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, हाउ डू हाउस फ्लाइज ट्रांसफर पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या हो गया, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स हो गया। अ हाउस फ्लाई मे सीट ऑन दी गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड दी पैथोजेंस स्टिक ऑन दियर बॉडी व्हेन दे सीट ऑन अनकवर फूड, दिस पैथोजन गेट ट्रांसफर टू दी फूड, व्हेन समवन ईट्स दिस कंटेमिनेट फूड ही और सी मे फॉल सिक। कि मान लो ये आपका क्या है, एनिमल एक्सक्रीटा या गार्बेज है, इसमें मान लो कोई आपका माइक्रोब्स है, हार्मफुल माइक्रोब्स है, इस पर आपका क्या होता है, हाउस फ्लाइज आके बैठी, उसके फिर क्या करता है, हमारे घरों के अंदर आता है जो कि अनकवर फूड होता है उसमें भी आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्मफुल आपका माइक्रोब्स है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है। तो हम लोग जो खाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, जो ये हार्मफुल माइक्रोब्स है हम लोगों को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अनकवर फूड को हम लोग कंटामिनेटेड भी फूड कह देंगे। कंटामिनेटेड फूड कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो चांसेस होता है जो आपका हार्मफुल माइक्रोब्स है वो किसी ना किसी कैरियर्स जैसे कि आपका हाउस फ्लाइज हो गया उसके थ्रू हमारे खानों तक
पहुंच जाता है। इसी वजह हम लोगों को अनकवर फूड नहीं खाना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, फूड को कवर कर देना चाहिए। अगर इस फूड को हम लोग किसी चीज़ से कवर कर देंगे तो ये आपका हाउस फ्राई क्या होगा, इस फूड पे आके नहीं बैठेगी। जब फूड पे नहीं बैठेगी तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे आपका हार्मफुल माइक्रोब्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। और दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरियर्स की बात करेंगे, आपको ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग डिजीज़ मलेरिया की बात करें, मलेरिया किसके वजह से होता है यानी इसकी कैरियर की बात करें, तो आप याद रखते हो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। बेसिकली करता क्या है, मलेरिया का जो आपका पहला साइट है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो क्या करता है, जो आपका मॉस्किटो है हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और दूसरा अगर हम लोग डेंगू की बात करें तो डेंगू याद रखना, इसमें जो मॉस्किटो है उसका नाम है फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो दोनों का नाम आपको याद रखना होगा, एक है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरा आपका फीमेल एडीज मॉस्किटो। कैरियर्स द डेंगू वायरस कॉल्ड फ्लेवी वायरस। तो यहाँ पे आप प्लाज्मोडियम याद रख सकते हो, इस प्लाज्मोडियम की वजह से आपका क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसको कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वैसे ही अगर आप डेंगू वायरस की बात करें उसका नाम है फ्लेवी वायरस। तो आप दोनों नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉमन डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसफर, जो आपका डिजीज़ है वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है और किस 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 के थ्रू होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ईयर की बात करें तो ईयर के थ्रू आपका टीवी हो सकता है, जिसको हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, मिसलेस हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है और आपका पोलियो हो सकता है। पोलियो आपका ईयर से भी होता है और आपका वाटर से भी होता है, तो आप याद रख सकते हो। वैसे ही अगर हम वाटर की बात करें अब, तो वाटर के थ्रू आपका कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है और हेपेटाइटिस ए होता है। आपका जो यहाँ पे कोलेरा है, तो कोलेरा आपका बेसिकली वाटर और फूड दोनों से होता है। फूड से कौन सी डिजीज होता है, कोलेरा हो जाएगा। अच्छा, अब कॉन्टैक्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट से आपका चिकन पॉक्स होता है। वैसे ही अगर हम लोग मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो से मलेरिया या फिर डेंगू फीवर हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू ईयर और कॉन्टैक्ट। वैसे डिजीज से हम लोग कैसे बच सकते हैं जो कि आपके ईयर या फिर कॉन्टैक्ट से होता है। टू प्रिवेंट डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू द ईयर, कीप द पेशेंट इन कम्प्लीट आइसोलेशन एंड कीप हिज और हर पर्सनल बिलोंग अवे फ्रॉम अदर्स। वैसे पेशेंट को हम लोग आइसोलेशन में रखेंगे और उसके हर एक चीज़ को बेसिकली किसी और को यूज़ करने हम नहीं देंगे। उसके बाद क्या होगा, वैक्सीनेशन हम देंगे एट द सूटेबल एज कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड मिसलेस। वैक्सीनेशन अगर सही एज पे हम लोग देंगे तो इसके वजह से क्या होगा, आपका ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हो सकता है, चिकन पॉक्स, पोलियो और मिसलेस नहीं होता है। वैसे अगर हम बात करें हाउ टू प्रिवेंट डिजीज डेट स्प्रेड थ्रू वाटर और फूड, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कलेरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। सेम बात है आपका, वन शुड ऑल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट और एंड ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कोई भी डिजीज वाटर और फूड के थ्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फूड को कवर करेंगे और जो वाटर हम लोग ड्रिंक करेंगे बेसिकली क्या होना चाहिए, उसको पहले बॉइल कर लो, उसके हम लोग ड्रिंक करो, या फिर जो भी हम वाटर को पीते हैं वो बेसिकली प्योरीफाइड होना चाहिए। और एक बात और याद रख सकते हो, जो कोलेरा डिजीज होता है उससे बचने के लिए आपको प्रॉपरली कुक्ड फूड को ही खाना चाहिए, जो अच्छे से बना हो आपका। नेक्स्ट है कि हम लोग जो मॉस्किटो से डिजीज होता है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो आपका मॉस्किटोज़ है उसको हम लोग पनपने नहीं देंगे, उसको हम लोग ब्रीड करने नहीं देंगे। तो हम लोग ब्रीड कैसे नहीं करने देंगे, तो बहुत सिंपल है, जो हमारे सराउंडिंग है उसको हम लोग क्लीन एंड ड्राई रखेंगे। क्लीन का मतलब क्या होता है, उसको साफ सुथरा रखेंगे। और क्या करेंगे, जो हमारे सराउंडिंग में जैसे कि आपका कूलर हो गया, टाइल्स हो गया या फिर फ्लावर पोट्स हो गया, उसमें हम पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे। समय समय पे जो कूलर का पानी को चेंज करते रहेंगे और टाइल्स के अंदर जो पानी है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड ऑल्सो स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड यूज मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट आवर से फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो मॉस्किटो को भगाने के लिए हम लोग जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोर्टीन हो गया, या फिर हम लोग मॉस्किटो नेट्स का यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने सराउंडिंग में इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं जिसके वजह से मॉस्किटो मर जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, तो आपको दो डिजीज याद रख सकते हो, एक है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है, आ डेंजर डिजीज डेट इफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल, इज कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल बेसिलस एंथ्रेसिस। जो आपका एंथ्रेक्स डिजीज होता है बेसिकली एक बैक्टीरियम डिजीज होता है जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है।
अच्छा, और एक बात याद रख सकते हो, जो बेसिलस एंथ्रेसिस है उसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उसका नाम है रॉबर्ट कोच, जो कि 1876 में किया था। और दूसरा आपका डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है, जिसको हम लोग फुट एंड माउथ डिजीज वायरस कहते हैं या फिर पिकोन्ना वायरस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम लोग ह्यूमन डिजीज की बात करें, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से डिजीज होता है, तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की बात कर लेंगे। बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज होता है? टीवी होता है आपका, कोलेरा होता है, और आपका टाइफाइड होता है। मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो आपका जो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है ईयर के थ्रू होता है, कोलेरा आपका वाटर और फूड के थ्रू होता है, टाइफाइड आपके वाटर के वजह से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायरसेस की, वायरस के थ्रू मिसलेस, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, HIV डेट इज एड्स की भी बात हम लोग कर सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मिसलेस आपका ईयर के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स ईयर कॉन्टेक्ट, पोलियो भी ईयर और कॉन्टेक्ट के थ्रू होता है, हेपेटाइटिस ए वाटर के थ्रू होता है। और अब अगर हम लोग प्रोटोजोन्स की बात करें तो बेसिकली एक डिजीज आपको याद रखना है, डेट इज़ मलेरिया, और ये किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के वजह से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में ही डिजीज कॉज नहीं करता है, कुछ कुछ प्लांट में भी कॉज करता है। तो सबसे पहले जो प्लांट डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपका ईयर के थ्रू होता है। फिर है दूसरा है रस्ट ऑफ वीट, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, बेसिकली पक्सीनिया उसका नाम था, बेसिकली जो पक्सीनिया होता है जो कि एक फंजाई होता है उसकी वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो आपका ईयर और सीड दोनों से होता है। फिर नेक्स्ट है आपका येलो वेन मोसेगो विंडी डेट इज ओखरा, आपका एक वायरस डिजीज है जो कि इंसेक्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका फूड पॉइजनिंग, वेन फूड कंटेमिनेटेड विथ पैथोजेंस और टॉक्सिन आर कंज्यूम इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। जब हमारे खाने में कोई भी पैथोजन या फिर टॉक्सिन आ जाता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो वैसे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो इसका अगर हम सिम्टम की बात करें तो आपको क्या होता है, स्टमक में पेन होता है, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, वॉमिटिंग, या फिर आपका डायरिया हो सकता है, कभी कभी इतना ज़्यादा सेवियर हो जाता है जिसकी वजह से आप मर भी सकते हो। तो फूड पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी है, जहाँ पे फ्लड आता है वहाँ पे आपका फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और नेक्स्ट एक टॉपिक आपका फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम अपने फूड को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचा के रख सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर हम अपने खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला है व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व फूड, वी नीड टू प्रिजर्व फूड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन फूड कैन समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर पॉइजनस टू अस। इफ़ वी कंज्यूम दिस स्पॉइल्ड फूड वी कैन बिकम सीरियसली इल और डाई, हिंस वी नीड टू प्रिजर्व फूड फ्रॉम बींग स्पॉइल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फूड प्रिजर्व करने की हम लोगों को जरूरत क्यों होती है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कभी कभी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खानों में आ जाता है जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रोब्स है हार्मफुल टॉक्सिक को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। उसको अगर हम लोग खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं या फिर सीरियसली इल भी हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को खाना जो है प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और एक बात है, प्रिजर्व करने से क्या होता है, हमारा जो खाना है वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड आर, तो हम लोग किस किस मेथड का यूज करके अपने खानों को प्रिजर्व कर सकते हैं? तो अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स की बात करें, सबसे पहला है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन पिकल्स, जैम्स एंड स्क्वेसेस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉयलेज। तो सबसे पहले हम लोग पिकल्स, जैम्स और स्क्वेस को प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर कॉमन केमिकल्स सच एज सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल है इसी को हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करते रहता है, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देता है। नेक्स्ट आपका इन पिकल्स वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स। पिकल्स को हम लोग कैसे प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, उसमें नमक या फिर एसिड को मिलाकर। टू कॉमन यूज प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोइन एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। जो यहाँ पे दो केमिकल का नाम दिया गया है इसको आपको याद रखना है, ये दो आपका कॉमन प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग यूज करते हैं। पहला है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम मेटा बाइसल्फेट। नेक्स्ट आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम लोग जो अपने खानों को प्रिजर्व करते हैं नमक के द्वारा, किसको करते हैं, मीट एंड फिश आर कवर विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व टेमराइड, अमला, रॉ मैंगो, etc।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग प्रिजर्वेशन के लिए कॉमन सोल्ट का भी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका केमिकल का भी यूज कर रहे हैं, जैसे दो केमिकल सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फेट, वैसे ही हम लोग सोल्ट और एडिबल आयल का भी यूज करके अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं। शुगर से भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि इन जैम्स, जेलीज, स्क्वेयर शुगर यूज एज प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे हम लोग शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। आपका जो शुगर है बेसिकली करता क्या है, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्पॉइलिंग फूड। तो यहाँ पे याद रखना, आपका जो शुगर है बेसिकली जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारा जो फूड है स्पॉइल होने से बच जाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, कॉमन सोल्ट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो भी ग्रोथ और बैक्टीरिया को चेक करते रहता है, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं होने देता। वैसे ही शुगर भी क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय आयल एंड विनेगर। तो हम लोग जो पिकल्स है जो अचार बनाते हैं उसमें हम लोग आयल या विनेगर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, इस कंडीशन में जो आपका बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट को भी हम लोग आयल और विनेगर में प्रिजर्व करके रखते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम लोग जो मिल्क को बॉयल करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क आपका ख़राब नहीं होता है। तो जैसे हम लोग बॉयल करते हैं तो मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या करता है, किल कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो दूध है वो ख़राब नहीं होता है। वैसे हम लोग फूड को फ्रीज में रखते हैं तो आपका जो फ्रीज का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी वजह से फ्रीज में रखा हुआ खाना ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है पेस्चराइजेशन, इसको आपको याद रखना है। पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 1700 सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन चिल्ड बिफोर स्टोरिंग इट। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रो ऑफ माइक्रोब्स। वी कैन यूज पेस्चराइज्ड मिल्क विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया है, हम लोग पेस्चराइजेशन कहते हैं। इसको डिस्कवर लुईस पेस्चर ने किया था, इसलिए इसका नाम पेस्चराइजेशन रखा गया है। बेसिकली इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं क्या है, मिल्क को सबसे पहले 15 से 30 सेकेंड के लिए 700 सेल्सियस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको ठंडा करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऐसे करने से जो मिल्क के अंदर जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, मर जाता है। अब ये आपका जो पेस्चराइज्ड मिल्क है को आप बिना बॉइलिंग करके भी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होता है। और यहाँ जो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है इसको आपको याद रखना है, क्या नाम है, लुईस पेस्चर। नेक्स्ट आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फूड एंड वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एंड एयर टाइट पैकेट एज माइक्रोब्स कान सर्वाइव विदाउट एयर, हिंस द फूड डजंट गेट स्पॉइल इन एयर टाइट पैकेट्स। अगर हम लोग बात करें जो आपका फूड होता है उसको हम लोग टाइट पैकेट में पैक करते हैं, ऐसे करने से क्या होता है, उसमें हवा नहीं रहता है। अगर हवा नहीं रहेगा तो जो आपका माइक्रोब्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, या तो सॉल्ट हो गया, या आपका एडिबल ऑयल्स हो गया, या अगर केमिकल की बात करें तो सोडियम बेंजोएट हो गया और आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइट हो गया। वैसे ही कुछ चीज़ों को हम लोग कॉमन सॉल्ट से भी प्रिजर्व करते हैं, शुगर से भी प्रिजर्व करते हैं, आयल और विनेगर से भी प्रिजर्व करते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी प्रिजर्व करते हैं, या फिर लास्ट में आपका स्टोरेज एंड पैकिंग से भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले आपको पता होना चाहिए हमारे सराउंडिंग में या हमारे एटमोसफियर में नाइट्रोजन आपका 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो आपका 21% है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो बेसिकली ये 0.4% है। वैसे ही अगर हम आर्गन की बात करें बेसिकली आपका 0.9% होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन बेसिकली 78% है, ऑक्सीजन आपका बेसिकली 21% है, अगर हम कार्बन की बात करें तो 0.4% है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे प्रोटीन्स में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, क्लोरोफिल और फिर आपका विटामिन्स में पाया जाता है। एक बात आपको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स,
इट गेट फिक्स बाय आइदर लाइटनिंग और नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब हम बैक्टीरिया को देख रहे थे तो हम लोग एक वर्ड यूज किए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यानी हमारे जो सराउंडिंग में एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो यूजिवल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। यूजिवल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, या तो फिर लाइटनिंग से होगा या फिर आपका नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बैक्टीरिया है उसके थ्रू होता है। यहाँ जैसे नाइट्रोजन साइकिल है आपके एनसीईआरटी में, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ सिंपली देखो क्या लिखा हुआ है, लाइटनिंग। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे पहले लाइटनिंग से अब क्या होता है, जो यूजिबल नाइट्रोजन का फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसको क्या करता है, जो प्लांट है अपटेक करता है, प्लांट से फिर एनिमल के पास जाता है, एनिमल क्या करता है उस प्लांट को खा लेता है, फिर प्लांट क्या करता है नाइट्रोजन वेस्ट के थ्रू, या फिर जब एनिमल मर जाता है तो वो नाइट्रोजन क्या होता है फिर से सॉइल के पास आ जाता है, या तो फिर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है जो हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसके बाद उस नाइट्रोजन को क्या करता है अलग अलग नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स हो गया या नाइट्राइट्स हो गया, और वो कहाँ पे करता है सॉइल में ही करता है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होता है कि जो आपका कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो हमारे सॉइल में होता है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर आपका क्या हो जाता है फिर से वो क्या बन जाता है नाइट्रोजन बन जाता है। तो यही पूरे के पूरे नाइट्रोजन साइकिल है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटनिंग और सर्टन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एजिटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन जिसको हम लोग साइनोबैक्टर कहते हैं प्रेजेंट इन सॉइल इन टू कंपाउंड यूजेबल बाई प्लांट, यानी जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में होता है उसको यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसके थ्रू, या तो लाइटनिंग के थ्रू होता है या फिर आपका कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया का नाम याद रख सकते हो, राइजोबियम एजिटोबैक्टर या फिर ब्लू ग्रीन अल्गी जो कि आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसका अगर हम एग्जांपल बोले तो आपका नोस्टोक हो गया, तो नोस्टोक को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया बनता है उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोसोमोनस है। जो नाइट्राइट्स आपका बनता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। प्लांट टेक अप नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स। तो जो हमारा प्लांट है या तो अमोनिया लेता है या फिर नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है इसको याद नहीं रखना है, सिंपली नाइट्रिफिकेशन क्या होता है अमोनिया से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होना या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, उसी को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। प्रोसेस आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हो गया, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट यूज देम टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका लिखा गया था कि ये जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर बन गया, यहाँ पे क्या हुआ लाइटनिंग के वजह से सीधे अमोनिया बन गया, या फिर यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है नाइट्रोजन से अमोनिया बना, अमोनियम से नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स बन गया, और वो क्या होता है आपका सॉइल के अंदर होता है। इस सॉइल को क्या होता है जो प्लांट है अपटेक करता है, इससे प्रोटीन बनाता है, या फिर इस प्लांट को एनिमल खाता है और एनिमल क्या होता है फिर कुछ समय के बाद मर जाता है, या जो उसका नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसके थ्रू भी वो जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड होता है उस सॉइल के अंदर फिर से आ जाता है। ये जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आया है उसको फिर कुछ बैक्टीरिया क्या करता है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये डी नाइट्रिफिकेशन के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एमोनोफिकेशन। एमोनोफिकेशन क्या होता है, प्लांट एनिमल जब मर जाता है तो बैक्टीरिया और जो फंजाई प्रेजेंट होता है सॉइल में वो इसके नाइट्रोजन वेस्ट को कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर से क्या प्लांट यूज कर लेता है, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। नेक्स्ट आपका डी नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका नाइट्रेट्स बना होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और यही फिर एटमोसफियर में रिलीज हो जाता है। यहाँ पे सीडोमनास यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हो। इसी सीडोमनास के थ्रू जो डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है नाइट्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार अगर प्रोसेस की बात करें, यहाँ जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, यहाँ जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग डी नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, और यहाँ पे आपका एसिमिलेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।